हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बॉस। हॉट टॉपिक है, मेक्सिको वीजा स्लॉट कैसे बुक करें। बट बिफोर दैट, पहले चैनल का इंट्रोडक्शन तो बनता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा ही हॉट टॉपिक और ट्रेंडिंग है, मेक्सिको वीजा स्लॉट अवेलेबिलिटी। बहुत से लोग हैं इंडिया में, फ्रेंड्स फैमिली जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको वीजा नहीं मिल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एरर आ रहे हैं, नो स्लॉट अवेलेबल या नो डिस्पोनिबिलिटी, वट एवर इट मे बी। आज वो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ, प्लस टिप्स और ट्रिक्स भी देने वाला हूँ कि कैसे आप स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लो यार। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा आपको इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू मेक्सिको। और आज मैं वीडियो ऊपर इसलिए शूट कर रहा हूँ छत पे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सीन मैंने विंडो से देखा है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रेनबो। सो आई वांटेड टू कवर दैट इन माय वीडियो एज वेल। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार, मैं आ गया था जनवरी में मेक्सिको, और मेरे ऊपर भी प्रेशर था कि आई हैव टू ज्वाइन ऑन 1st of January। तो मैं अनफॉर्चुनेटली इंडिया से अपनी वाइफ का वीजा प्रोसेस नहीं कर पाया। यहाँ जब आया, विदिन 7 to 10 days मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड होने लग गया कि यार मेरा भी वीजा अपॉइंटमेंट बुक करो या मेरा भी पेपर वर्क प्रोसेस करो, राइट? तो मेरा काम यही था, 9 to 6 में मैं अपना वर्क फ्रॉम होम करता था, और उसके बाद सिर्फ वो सीटास वाले पोर्टल पे जाके रिफ्रेश दबाता रहता था, लॉगिन करता रहता था, और एक ही एरर अपने सामने देखता था, ऑफिस नॉट फाउंड, या अपॉइंटमेंट कोई दूसरा एरर आ रहा है, अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल, और वट एवर इट मे बी, यू नो। तो जैसे ही वो इंडिया और न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया, उसमें हमेशा एरर आता था। तो भैया बड़ा परेशान हुआ, मेरा FI का बटन भी सिस्टम का खराब हो गया था, यू कैन इमेजिन। यही काम है, ईट स्लीप रिफ्रेश रिपीट, पूरा दिन यही। MBC को भी मैंने कई बार ईमेल डाला कि यार स्लॉट अवेलेबल नहीं है, नो रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स आता भी तो है तो बोले कि ट्राई करो अपने आप से। तो आज की वीडियो में मैं यही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि वाट लग गई है मेरी, 3 महीने लगे हैं मुझे खुद से अपॉइंटमेंट बुक करने में, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड उस दरमियान यू कैन से बहुत प्रॉब्लम्स आई है। इंडिया से मुझे मम्मी का प्रेशर था, अपनी वाइफ का प्रेशर था, फ्रेंड्स फैमिली का था कि यार तुम रिसेंटली अभी तुम्हारी शादी हुई है तो अपनी वाइफ को भी लेके जाओ ना। बट उस टाइम कोविड भी था, जनवरी टू मार्च कोविड सिचुएशन थी, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। और मैं सोचता था पहले कि यार मैं जनवरी से बुकिंग चालू करूंगा तो शायद मार्च में चारों के लिए मुझे स्लॉट मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं था। स्लॉट 1 या 2 वीक के लिए ही ओपन हो रहे थे जब भी, एंड देन बहुत हिट एंड ट्राई किया। उसके बाद धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि हाउ डज इट वर्क। तो वही मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बेसिकली, सो दैट यू गाइज आर एबल टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स, एंड देन यू गाइज आर एबल टू बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन योर ओन। सो आप किसी भी वीजा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इवेंचुअली योर कंपनी और योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बिल्ड द प्रेशर कि यार आपका स्लॉट क्यों नहीं बुक हो रहा है। You know, you have to book or you have to travel within 30 days or 60 days. Eventually, pressure बनता है, slot आपको available नहीं मिलता है, तो आप परेशान होते हैं। तो अब हम cover करने वाले हैं visa category, क्या documents लगते हैं और slot कैसे book करें। तो video के अंत तक बने रहना, ठीक है? All right. I hope that brings some sort of happiness on your face, right? I am glad to do so. ओके, सो वीज़ा टाइप के बारे में बात कर लें। ये सारे वीज़ा टाइप्स हैं जिसके लिए आपको मेक्सिकन वीज़ा अप्लाई करना होता है। कोई भी इंसान आपको अगर आके बोलता है कि मेक्सिको ऑन अराइवल वीज़ा देता है इंडियंस को, तो ये गलत है, नहीं देता मेक्सिको ऑन अराइवल वीज़ा इंडियंस को। ओके, ये बात समझ में आ गई। प्लस मैं एम्बेसी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन वेरीफाई द स्टेटमेंट। जो भी NUT नंबर होल्डर हैं, उनका NUT 30 डेज में तो एक्सपायर नहीं हो रहा, अनटिल फर्दर नोटिस। ये इन्फॉर्मेशन भी एम्बेसी की वेबसाइट पे लिखी हुई है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वेरीफाई कर लेना। NUT इज एप्लीकेबल फॉर डिपेंडेंट वीजा एंड वर्क वीजा, ये दो कैटेगरी में NUT लगता है, क्योंकि उनका पेपर वर्क मेक्सिको से प्रोसेस होता है, ठीक है? अब
द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आज आपको मेक्सिको ट्रैवल करना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि ये सारी वीजा कैटेगरी में मेरा कौन सा कैटेगरी में मुझे अप्लाई करना है. तो आप अपने फाइनेंस टीम से या ट्रैवल टीम से या अपने मैनेजर से वो कंसल्ट करें और प्रॉपर रीजन के अकॉर्डिंगली फॉर्म में डिटेल्स डालें. क्योंकि अगर थोड़ा भी डिटेल्स मिसमैच होगी आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपसे पूछे जाएंगे वहां पे इंटरव्यू में और आपके डॉक्यूमेंट्स में, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम. और अभी मेक्सिको वीज़ा बहुत सारे रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज काफ़ी सारे लोग परेशान हैं स्लॉट्स को लेकर. अब स्लॉट बुक हो गया लेकिन वो शायद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना भूल जाता है. लाइक आई गिव यू एन एग्जाम्पल, बैंक स्टेटमेंट में और पासपोर्ट में नेम मिसमैच हो रहा है, या फिर उनका इन्विटेशन लेटर नहीं है उनके पास. इन्विटेशन लेटर अगर आया भी है तो उस पर साइन नहीं है. सो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डॉक्यूमेंटेशन. तो आपको लिंक में सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स, मेक श्योर यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड देन अप्लाई फॉर द वीज़ा, फिल अप द वीज़ा फॉर्म. तो हम लोग वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद टूरिस्ट वीज़ा. टूरिस्ट वीज़ा उन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है जो सिर्फ टूरिज्म पर्पस से यहाँ पे आना चाहते हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. वीज़ा का ड्यूरेशन जो होता है वो 6 months के लिए आपको मिलता है, 180 days. लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रहते हैं कि यू हैव अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यू आर कमिंग टू मेक्सिको एंड देन यू आर गोइंग टू हाईलाइट ऑल दी एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन मेक्सिको इन योर कवर लेटर. तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है. अब यहाँ पे कैच ये रहता है, जनरली आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना होता है. नेम कहीं भी मिसमैच नहीं होना चाहिए. जो आपका पासपोर्ट पे वही बैंक स्टेटमेंट पे होना चाहिए. बैंक स्टेटमेंट आपका होना चाहिए, सील साइन होना चाहिए. दीज आर द की थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. सेकेंड थिंग जो होता है, जो आपका कवर लेटर है या इन्विटेशन लेटर है, अगर आप फॉर सम रीज़न यहाँ पे कोई बिजनेस इवेंट के लिए आ रहे हैं, व्हेन आई से बिजनेस इवेंट मतलब आपके कंपनी ने रिकग्निशन कोई इवेंट रखा हुआ है मेक्सिको में, तो आपको वो स्पेसिफाई करना होगा और वहाँ पे इनविटेशन लेटर लगेगा आपकी कंपनी का. अगर आपकी कंपनी इंडिया में है और अगर उसका मेक्सिको में भी ब्रांच है तो वो ब्रांच आपको इन्विटेशन लेटर भेजेगी दैट वी आर इन्वाइटिंग यू फॉर अ रिकग्निशन इवेंट, राइट. तो उसमें आपके कवर लेटर में आपको सारी होटल की इन्फॉर्मेशन देनी है, फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन देनी है, आप जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ, लेट्स से आप कंकून घूमने वाले हैं, डिफरेंट प्लेसेस घूमने वाले हैं मेक्सिको में, सारी डिटेल्स आपको देनी है. और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया झूठ नहीं बोलना है. जिस काम के लिए आप आ रहे हो वो प्लीज़ मेंशन करो वहाँ पे. इफ़ यू प्लान टू एक्सटेंड योर स्टे, मेंशन दैट एज वेल कि अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने 3-4 दिन की छुट्टी भी ली है और मैं यहाँ यहाँ घूमने वाला हूँ, राइट. डू दैट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर इंटरव्यू, ताकि आपके रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए और आपको टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल जाए, बिकॉज मुझे लगता है सबसे आसान वीज़ा वही है. अब दोस्तों बिजनेस वीज़ा की बात कर लेते हैं. तो बिजनेस वीज़ा उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो बिजनेस रीजन से यहाँ आ रहे हैं. आपका कोई बिजनेस मीटिंग है, आप कुछ डिप्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, यू विल हैव टू मीट द क्लाइंट और वट एवर बी द रीज़न. As long as your company is going to assist you with your travel, with your paperwork, right? तो आप business की category select करेंगे. Again, your company should have a branch here in Mexico and the company in Mexico should send you an invitation. तो जो भी आपको बंदा invite कर रहा है, HR हो गया, आपका manager हो गया Mexico में, वो बंदा आपको letter भेजेगा, उसका signature होना चाहिए. मैं आपको request करूँगा कि आप उसका passport की copy भी मंगवा लें. It is going to help you. You can also provide his address so that if somebody wants to verify, they can also verify this details. तो उससे आपके reject होने के chances थोड़े कम हो जाते हैं and then you are providing the right information. बाकी आपकी company is going to take care of everything. You will get MX card or different kind of cards जो कि आपका expenses cover करेंगे during your business travel. कोई भी remuneration activities आप नहीं कर सकते when you are on a business trip. When I say remuneration मतलब you cannot get paid in Mexican pesos during your trip for that particular month. अगर आप 1 month के लिए आ रहे हैं, 2 month के लिए आ रहे हैं, business meet करते हैं, लेकिन you cannot get salary in Mexico during that time. और यही चीज़ आप tourist visa में भी apply होती है. You cannot apply for a job at that time or you cannot come here for work. So make sure you provide the right information to the embassy.
तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे भी बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा, आपकी कंपनी का ऑफर लेटर आपसे मांगा जा सकता है, आपसे ITR आपका मांगा जा सकता है पिछले 2 से 3 साल का। तो वो सारी डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम एक एक डॉक्यूमेंट की बात करें, लेकिन अगर आपका कोई स्पेशल केस है एंड इफ़ यू नीड गाइडेंस फ्रॉम मी, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आई कैन गेट इन टच विद यू पर्सनली, सो दैट्स नॉट एन इशू। और चैनल को तो फॉलो कर ही सकते हो आप, राइट? सो मेक्सिको की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा, आप कमेंट में मेंशन कर देना या मुझे ईमेल कर देना, आई विल गेट बैक टू यू। आई नो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सिनेरियोस डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, तो फील फ्री टू गेट इन टच। अब हम लोग डिपेंडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा उसकी बात कर लेते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी का क्राइटेरिया ये है कि ये इसका जो पेपर वर्क है, जो दोनों वीज़ास का पेपर वर्क है, वो मेक्सिको से इनिशिएट होगा। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्क के लिए आ रहे हैं या डिपेंडेंट वीज़ा के लिए आ रहे हैं, सो योर हस्बैंड, योर फैमिली मेंबर शुड स्टार्ट योर पेपर वर्क फ्रॉम INM मेक्सिको फॉर डिपेंडेंट वीज़ा। एंड फॉर वर्क वीज़ा योर कंपनी, अगर आप TCS में हैं, IBM में हैं, तो वो कंपनी आपको यहाँ से आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस करना चाहिए। व्हेन आई से वर्क वीज़ा मतलब डॉक्यूमेंट्स, जब वो डॉक्यूमेंट प्रोसेस करेंगी, INM उन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा और एक प्री ऑथोराइजेशन देगा उन डॉक्यूमेंट्स के लिए। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट योर NUT नंबर इन बोथ द केसेस। तो जब आपके पास NUT नंबर अपॉइंटमेंट लेटर जो बोलते हैं, काफ़ी लोग उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी बोलते हैं, NUT नंबर बोलते हैं, तो जब भी आपके पास NUT आता है मतलब आपका वीज़ा प्री ऑथोराइज हो गया है। एंड देन नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दी एम्बेसी ऑफ मेक्सिको इन इंडिया कि वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं आफ्टर वेरीफाइंग योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? तो ये कैटेगरी बड़ी सिंपल है, इसमें आपके रिजेक्शन के चांस कम होते हैं क्योंकि NUT आपका प्रोसेस हो चुका होता है। एंड दैट दे कैन वेरीफाई ऑल दीज डिटेल्स फ्रॉम वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर और द कंपनी दैट इज प्रोसेसिंग योर वीज़ा फ्रॉम मेक्सिको। तो ये बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, इसके भी डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल आपको लिंक में मिल जाएगी। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस कमेंट कर देना। हम वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्लॉट अवेलेबिलिटी। स्लॉट कैसे मिलेगा भैया, आप फाइनली हमको बता दो। आई नो दैट्स योर क्वेश्चन, ओके? तो स्लॉट का फंडा बड़ा सिंपल है, जो मैंने फिगर आउट किया है वो है मंडे टू फ्राइडे आपको 7 PM IST टू 11 PM IST उसके बीच में पोर्टल को रिफ्रेश करते रहना है। लाइक यू लॉग इन टू द पोर्टल यूजिंग योर ईमेल ID एंड पासवर्ड, एंड द रिकमेंडेशन इज आप अपना यूजर नेम पासवर्ड पहले ही क्रिएट कर लें, आप अपनी प्रोफाइल पहले ही क्रिएट कर लें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए जब स्लॉट ओपन हो। नाउ दैट यू आर इन द पोर्टल, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द स्क्रीन शॉट एंड ऑल, बट आई नो यू गाइज ऑलरेडी नो दैट, इसलिए आप वो वीडियो भी देखना है। तो आपने लॉग इन कर लिया, लॉग इन करने के बाद आपने इंडिया न्यू दिल्ली लोकेशन सिलेक्ट कर ली। अब आप ऑफिस लोकेशन सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे नो ऑफिस फाउंड आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, लॉग इन करके उसी पेज को रिफ्रेश करते रहना है 7 to 10 PM में, मोर और लेस मंडे टू फ्राइडे। कोई गारंटी नहीं होती है स्लॉट किस दिन ओपन होंगे, कभी मंडे ओपन हो जाता है, कभी वेडनेसडे होता है, कभी थर्सडे होता है, कभी उस पूरे वीक में नहीं होता है, और स्लॉट 1 या 2 वीक के लिए ओपन होते हैं। दैट्स माय एक्सपीरियंस, जब मैं वाइफ के लिए बुक कर रहा था तो 2 वीक के लिए हो रहे थे, अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं आई डोंट नो, बट एटलीस्ट विद माय एक्सपीरियंस आई वाज एबल टू हेल्प माय फ्रेंड्स, जो 10-15 लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन लोगों को मैंने हेल्प किया है एंड दे वर एबल टू सिक्योर देयर अपॉइंटमेंट्स एंड नाउ दे आर इन मेक्सिको हैप्पीली, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है उन लोगों ने, तो आप भी करना मत भूलिएगा। तो यार ये है घूम फिर के कि आपको खुद को ट्राई अगर करना है तो यू रियली हैव टू डिवोट सम टाइम, पर ये थोड़ा सा लक बाय चांस का भी फंडा है, आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में। समटाइम्स यू माइट हैव टू मिस योर मील, पीछे से शायद आपके बच्चे या आपकी फैमिली चिल्लाएगी कि यार पोर्टल पे बैठा रहता है, रिफ्रेश करता है एंड ऑल दैट, बट दैट्स हाउ इट इज़। अगर आप खुद से बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो बेसिकली वीज़ा बुकिंग इज़ मोर लाइक हिट एंड ट्रायल, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी डिवोट करना पड़ेगा, 1 week, 2 week, 3 week शायद आपको पोर्टल रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा, लॉग इन करना पड़ेगा, देन यू माइट हैव टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम मी, फ्रॉम योर अदर फ्रेंड्स जिनको वीज़ा मिला है, स्लॉट मिला है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों की हेल्प कर पाता हूँ अपने एक्सपीरियंस से तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, राइट? और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी बेसिकली यही है ताकि मैं अपना हेल्प और असिस्टेंस आपको दे पाऊँ।
तो अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है दैट यू हैव बीन वेटिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, आप मुझे ईमेल कर देना, मे बी आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद एवरीथिंग. क्योंकि स्पैनिश में होता है पोर्टल, देन यू हैव टू कन्वर्ट इन इंग्लिश. कुछ फील्ड होती हैं जो फिर भी स्पैनिश में होती है. बहुत से लोग हैं जिनको एनयूटी नंबर को लेकर डाउट है, या एक्सपीरेशन करके कुछ फील्ड होता है उसको लेकर डाउट है. मतलब मेरे पास ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, सो आई एम आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस. तो कुछ भी दिक्कत आए तो यार यू कैन कॉन्टैक्ट मी. और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से तो बुक ही नहीं हो रहा है, या यू नो मैं लास्ट विंडो पे आके वो फ्रीज हो जाता है, या मैं अपनी डिटेल्स डालता हूँ नेक्स्ट पे नहीं आ पाता, तो ये सारे जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं. एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस. अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि यार बारिश का हो रहा है मौसम, ठीक है. तो आपको शायद ऑन अ वेरी हाई लेवल ये समझ में आ गया होगा कि आप खुद अगर ट्राई करेंगे तो यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील, बट यू रियली हैव टू बी पेशेंट. और अगर आपकी टाइमलाइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि आपको विद इन 15 डेज 30 डेज ट्रैवल करना है, तो आई कैन प्रोवाइड यू सम सॉर्ट ऑफ असिस्टेंस कि वॉट इज़ द बेस्ट वे, वॉट कुड बी द बेस्ट टाइम दैट यू कुड ट्राई. दैट्स ऑल दैट आई हैव. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग दैट इज़ अनयूजुअल या जो मैंने भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया. अगर आपको कुछ नया मिला है या आपको फर्स्ट टाइम में जाके स्लॉट मिल गया तो भैया मुझे भी ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला था, राइट. तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू गाइज. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे. जय हिंद, जय भारत. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.